चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। और इसे बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। अब ऐसा लीनियर डिफरेंशियल हालांकि होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन होगा, उसे हम किसमें करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, dy by dx plus py is equal to q into y to the power n। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y to the power n मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का, जहां पर p और q, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, p और q दोनों ही x के फंक्शन होंगे। अब ऐसे इक्वेशन को कैसे किया जाएगा, देखिए बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज dy by dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। p के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, पर q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y टू द पावर n। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को, मतलब dy by dx plus py is equal to q into y टू द पावर n, इस पूरी इक्वेशन को y टू द पावर n से क्या करेंगे आप, इसे डिवाइड करेंगे, y टू द पावर n से आप करेंगे डिवाइड। अब इतना करने के बाद अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे पास यहां पर एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर बचेगी n माइनस 1, तो 1 अपॉन y टू द पावर n dy by dx और प्लस p इंटू y टू द पावर 1 माइनस n हो जाएगा। अभी है तो ये अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि अपॉन में n है, एक y कट जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा, पर मैं ऊपर ले गया 1 माइनस n, मैंने इसे लिखा, इज इक्वल टू q हो गया। अब अगर मैं इसे लीनियर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर का फॉर्मेट होता है dy by dx plus py is equal to होता है q, is equal to में तो q आ गया, पर जो बचा हुआ है यहां पर अगर y होता तो ठीक है, पर यहां पर y to the power 1 minus n है, मैं इसे एक थर्ड वेरिएबल के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, पुट y to the power 1 minus n is equal to z पुट कर दूंगा मैं, और इसे जैसे z पुट करेंगे तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस एन वाई टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। ये चीज निकल के आ गई, मैंने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पे ये चीज निकल के आ गई है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1 माइनस एन, अब ये प्लस वन माइनस वन कटेगा तो वन अपॉन वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई हो गया भाई। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि वन अपॉन वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई इन टू वन माइनस एन, ये हो गया। अच्छा, ये जो वाई टू द पावर एन था, ये वन अपॉन वाई टू द पावर एन है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। और बात यह है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां dy by dx लगेगा और यहां dz by dx लगेगा, क्योंकि भाई p और q तो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो आपको करना x के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर ये जो चीज है, साथ में यहां पे dy by dx भी आएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साथ में dy by dx और यहां पर क्या लिखूंगा मैं dz by dx, ऐसा लिखेंगे। तो ये 1 अपॉन y टू द पावर n dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx आ जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस n आ गया। ये जो चीज है मेरे पास, ये जो चीज है, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन क्या रख देना है, dz अपॉन dx और साथ में 1 माइनस n हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे। तो अब जो इक्वेशन, हालांकि 1 माइनस n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा सकते हैं, तो जो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी वो किसमें, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने y टू द पावर n से डिवाइड कर दिया, y टू द पावर n से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बन गई, इसमें ये जो टर्म है इसको हमने z सब्स्टिट्यूट किया y के रिस्पेक्ट में। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता तो बात अलग होती, मैंने अगर यहां पर किया है x के रिस्पेक्ट में, सॉरी y नहीं, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप जानते हैं 1 माइनस n आगे आएगा, y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन dz upon dx हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये 1 अपॉन में y की पावर n आ जाएगा, साथ में dy by dx आ जाएगा,
ये वन माइनस एन यहाँ dz अपॉन dx के साथ में यहाँ अपॉन में आएगा इंटू मैंने ये जो वन माइनस एन है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ ये अपॉन में आएगा यहाँ पर वन अपॉन में वन माइनस एन आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो आप यहाँ पर dy by dx और साथ में क्या ये y की पावर n जब लिखेंगे तो वन माइनस एन कहाँ आ जाएगा ये dz अपॉन dx के साथ अपॉन में आ जाएगा तो ये सब्सटीट्यूशन आपको यूज करने हैं और जैसे ही आप ये सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है बर्नौली इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लेबनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे सॉल्व करना हम जानते ही हैं कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ई टू द पावर ऑफ पी डी एक्स करके और इस बार सॉल्यूशन क्या होगा इस बार सॉल्यूशन होगा जेड इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जहां पे y होता था वहां पर हमारी इक्वेशन किस में z में कन्वर्ट होगी और वापस से z की आप वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x dy by dx plus y is equal to y square log x है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप dy by dx का जो कोफिशियंट है उसको 1 बनाइए x को मतलब एलिमिनेट कीजिए तो मैं पूरी इक्वेशन जो कि मेरे पास है dy by dx और यहाँ पर x है इंटू में प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर log x ये मेरी इक्वेशन है मैं पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा सबसे पहले मैं इसको पूरे को x के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ x हो जाएगा एलिमिनेट तो बचा है dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू y स्क्वायर log x अपॉन x ये बचा। अब मैं पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्योंकि जितनी भी y की पावर होती है y टू द पावर n है तो पूरी इक्वेशन को y की पावर 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1 अपॉन y स्क्वायर यहाँ 1 अपॉन y स्क्वायर और यहाँ भी अपॉन में क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा जिससे y स्क्वायर हो गया एलिमिनेट यहाँ एक y कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx प्लस 1 अपॉन x और इनटू में y भी है इज इक्वल टू log x by x ये हो गया। अगला स्टेप में ये जानता हूं कि हमें 1 अपॉन y को क्या करना है 1 अपॉन y को पुट करना है z तो 1 अपॉन y को अगर z पुट किया और x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया तो dz by dx के बराबर हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dz अपॉन dx तो ये सब्स्टिट्यूशन भी आपको यहां पर रखना है तो देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ dz अपॉन dx इतना प्लस 1 अपॉन y की जगह मैंने रखा z अपॉन x इज इक्वल टू log x by x। अब आप माइनस साइन को हटाइए dz by dx का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 तो माइनस को अगर मैं हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा dz upon dx minus of z by x is equal to minus of log x by x इतना हो गया। तो जो इक्वेशन है लीनियर में कन्वर्ट हो चुकी है बस यहां पर z की ये सॉरी p की जगह पर क्या है p है आपका माइनस 1 by x और q कितना है आपका माइनस ऑफ log x upon x ये p और q की वैल्यू पता है तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं e टू द पावर ऑफ p dx का इंटीग्रेशन ये होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाय x dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन तो आप बाहर निकाल लेंगे 1 बाय x का क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस साइन हटाइए 1 बाय x का तो क्या हो गया log x अब माइनस साइन चला जाएगा पावर में तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ रहा है मेरे पास वो निकल के आ रहा है ई टू द पावर ऑफ लॉग एक्स इनवर्स आप जानते हैं एक्स और ई सॉरी लॉग और ई एलिमिनेट हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास 1 बाय एक्स निकल के आ गया ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आती है सॉल्यूशन की बात सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा सॉल्यूशन होगा जेड इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारा सॉल्यूशन होगा तो z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या निकाला 1 बाय x
इज इक्वल टू q, जो कि मेरे पास कितना है, q मेरे पास है माइनस ऑफ log x बाय x, क्या आएगा साथ में, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. इसका इंटीग्रेशन अब देखिए कैसे होगा, z बाय x इज इक्वल टू माइनस साइन हटा दीजिए log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर dx. अब ये बना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप जानते हैं आई रेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फर्स्ट और एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन होता है. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, वो भी वेरिएबल जो भी है x के रिस्पेक्ट में होगा फिलहाल. तो लॉग मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, तो z बाय x इज इक्वल टू माइनस लॉग मेरा फर्स्ट फंक्शन तो लॉग x एज इट इज, फिर 1 बाय x स्क्वायर का मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन, माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो भी x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में उसे लिखना पड़ेगा का होल इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x. ये हमारा आंसर निकल के आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. z बाय x इज इक्वल टू माइनस log x. अब ये x टू द पावर माइनस टू होगा. x टू द पावर माइनस टू का अगर आप करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, x टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं माइनस ऑफ वन बाय x निकल के ही आएगा. माइनस इसका क्या हो जाएगा, वन बाय x इंटू माइनस ऑफ वन बाय x dx. तो माइनस साइन बाहर आ गया. तो z बाय x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x माइनस वन बाय एक्स, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स. जेड बाय एक्स, अब माइनस ये पहले तो ये चीज जो है ये माइनस साइन पहले होल ब्रैकेट से बाहर है, इसको बाहर रखेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स, माइनस साइन तो रखेंगे इधर, वन बाय एक्स लॉग एक्स, और फिर से वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है वो हम जानते हैं माइनस वन बाय एक्स, साथ में क्या लगाएंगे आप प्लस सी. तो क्या निकल के आ जाएगा, जेड बाय एक्स और ये माइनस साइन आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन बाय एक्स लॉग एक्स, फिर माइनस और माइनस यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन बाय एक्स, और साथ में क्या आएगा प्लस सी. ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर. पर एक चीज आपको जो ध्यान देनी है कि z की जगह वापस से क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने क्या लेट किया था z is equal to 1 by y, तो z की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 1 upon y रखना पड़ेगा. तो एक तो पहली चीज ये कि मैं LCM लूंगा, z की जगह में 1 by y तो मैं रख दूंगा, तो 1 upon y x हो गया is equal to 1 by x log x हो गया, इसके साथ है प्लस 1 by x हो गया, और साथ में cx हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरे का एलसीएम ही क्या ले लिया, पूरे का एलसीएम एक्स ले लिया. तो आपको दो बार एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार पूरे का एलसीएम, जिससे एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक्स से एक्स हो गया आपका एलिमिनेट. तो इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, वाई को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस सी वाई प्लस वाई प्लस सी एक्स वाई. ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया फाइनल आंसर. तो क्या क्या हमने किया, जो इक्वेशन थी उसमें पहले तो आपने x को हटाया मतलब x से डिवाइड किया, फिर y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई जिसमें 1 अपॉन y को हम क्या करेंगे z पुट करेंगे, माइनस 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx. तो ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे जिससे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, p और q आप पहचान जाओगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आप e टू द पावर pdx इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आप यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाओगे पर z के साथ, क्योंकि यहां पर dz by dx है तो z into if वाला फॉर्म. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद में z की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 1 by y और रखना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन है 3dy by dx plus xy is equal to x into y to the power minus 2. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो मेरे को पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि dy by dx का कोफिशिएंट हो जाए 1. तो सवाल अब बन गया है मेरे पास dy by dx plus xy upon 3 is equal to
एक्स इंटू वाई टू द पावर माइनस टू बाय थ्री, इतना हो चुका है। अब पूरी इक्वेशन को, ये जो y की पावर माइनस टू यहां से हटाओ, तो पूरी इक्वेशन को y की पावर माइनस टू, y की पावर माइनस टू और y की पावर माइनस टू से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड अपॉन में y की पावर माइनस टू लगाइए। जैसे ही आप ये करेंगे y की पावर माइनस टू मतलब ऊपर जाएगा y स्क्वायर dy बाय dx, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा y क्यूब बनेगा x y क्यूब बाय थ्री, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया x बाय थ्री, इतना हो गया। अब x बाय थ्री तो ठीक है, ये तो हमारा p हो जाएगा, पर ये जो y क्यूब है इसको हम क्या कर देंगे, y क्यूब को हम पुट कर देंगे z। अगर y क्यूब z है तो आप कहेंगे कि सर 3y स्क्वायर और dy by dx is equal to dz upon dx हो जाएगा। भाई डिफरेंशिएशन कीजिए, y क्यूब का क्या होता है हम जानते हैं, y क्यूब का होता है 3y स्क्वायर, dy by dx बराबर dz by dx। तो ये जो 3y स्क्वायर, सॉरी डी नहीं आएगा, 3y स्क्वायर, क्योंकि y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3y स्क्वायर आएगा, इतना हो चुका। अब मेरे पास y स्क्वायर dy by dx is equal to dz by dx अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 3, इतना निकल के आ गया। तो वही चीज हम यहां पर करेंगे, ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए y स्क्वायर dy by dx की जगह मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया 1 by 3 dz by dx, 1 by 3 साथ में क्या लगाएंगे हम dz by dx, ये लगा दिया, प्लस एक्स वाई क्यूब बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स बाय थ्री। अब तीन तो हट गया यहां से, तीन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि तीन तो पूरे में से कॉमन आ गया। अब जो मेरे पास बचा है, अच्छा ये जो वाई क्यूब था उसको भी तो हमें क्या रखना है, वाई क्यूब को तो हमें जेड रखना है। तो मेरे पास जो फाइनली टर्म बन के या इक्वेशन बन के जो तैयार हो रहा है वो डी जेड बाय डी एक्स तो है ही, प्लस एक्स वाई क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में थ्री तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है। अब बारी आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की। तो आई एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं e टू द पावर पी डी एक्स होगा, पर p मेरे पास x है, p भी x है मेरे पास, और जो q है वो भी मेरे पास क्या है, q भी x है, p भी x है और q भी x है, दोनों x है। तो देखिए आई एफ हो जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा, ये निकल के आ गया। अब बारी आती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होगा z इनटू e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू q मतलब x e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वो भी x के रिस्पेक्ट में, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां पर बच्चे सोचते हैं कि शायद यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, u इंटू v होगा, पर नहीं, यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। कैसे, कि आप x स्क्वायर बाय 2 को t पुट कर दो डायरेक्टली, तो उससे क्या होगा, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x अपॉन में 2 तो है ही, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, 2 से 2 कटा, तो मतलब x dx इज इक्वल टू सीधा सीधा dt, और मेरे पास यहां पर क्या है, ये मेरे पास x dx ही तो है मेरे पास, तो x dx की जगह मैं क्या रखूंगा, सीधा सीधा dt पुट कर दूंगा। तो z इंटू e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, t, ये निकल के आ गया। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं क्या होता है, z e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर बाय 2 e टू द पावर t का क्या होगा, e टू द पावर t प्लस c होगा, और t की जगह आप क्या रखोगे, t की जगह x स्क्वायर बाय 2 रखोगे। तो z e to the power of x square by 2 is equal to e to the power of x square by 2 और plus c। अच्छा ये भी आ गया। इसके बाद z की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, z की जगह y cube, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा y cube e to the power of x square by 2 is equal to e to the power of x square by 2 plus c। ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने कर दिया, सबसे पहले मैंने तो अपॉन का 3 हटाया, अगर वो मैं अपॉन का 3 नहीं भी हटाता तो भी कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि ये 3 यहां पर रहता और 3 इनटू में रहता तो डायरेक्टली 3y स्क्वायर dy / dx dz / dx में कन्वर्ट हो जाता, तो 3 नहीं भी हटाते तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि अगर आप 3 हटा भी देते तो बाद में भी तो 3 कॉमन आके क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पर ये जो y की पावर माइनस टू है उसकी वजह से इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। y क्यूब को आपने z पुट किया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये बर्नौली से किसमें बन गई, लेबनिट्स में कन्वर्ट हो गई, जिसमें हमें p और q दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन आ गया। बस z की जगह वापस से क्या रख दो, वापस से y क्यूब रख दो, तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एक्स वाई टू द पावर 5 प्लस वाई और dx है माइनस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy को मैं इस साइड लिख के आ जाऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, dy इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर 5 प्लस वाई इंटू dx, ये हम लिख सकते हैं। dx आ गया अपॉन में, तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर 5 प्लस वाई। y को मैं लेके आ जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dy by dx minus y is equal to x y to the power 5, इतना हो गया। अब ये करने के बाद अगला स्टेप हम जानते हैं कि हमें y to the power 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां भी 1 upon y to the power 5, यहां पर भी y to the power 5 और यहां पर भी y to the power 5, इतना हो गया। ये करने के बाद ये जो टर्म है ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन वाई टू द पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई टू द पावर 4, वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, x। अब ये जो 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 है इसको हम क्या पुट करेंगे, z। इसका डिफरेंसिएशन क्या होगा, आप जानते हैं कि इसे आप वाई टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, वाई टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर आगे आती है, फिर पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, dy by dx is equal to dz by dx, इतना हो गया। ये करने के बाद इस टर्म को मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1 upon y to the power 5 dy by dx is equal to dz by dx। अब ये जो माइनस फोर था ये लेके आ जाओ आप यहां पर अपॉन में, 1 बाय माइनस 4, ये हो गया। तो चलिए y टू द पावर 5 है अपॉन में और dy बाय dx है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1 बाय 4 dz बाय dx और साथ में है माइनस ऑफ z इज इक्वल टू x। माइनस 1 बाय 4 को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dz बाय dx इज इक्वल, अच्छा प्लस प्लस 4z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4x। आपने 4 और वो भी माइनस साइन वाला इधर पूरे में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, मेरे पास e टू द पावर ऑफ p dx से हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब p कितना है, p सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 4 है, तो अगर p 4 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट if इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 4 dx, तो ये हो जाएगा if इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 4x, ये if आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा z इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if का इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो z मैं जानता हूं, z कितना है मेरे पास, माइनस ऑफ 4x है। if कितना है, if है e टू द पावर 4x, अच्छा ये सॉरी z, तो यहां पर मैंने q की वैल्यू रख दी है बाय मिस्टेक, z की जगह तो भाई क्या आएगा, z की जगह तो z ही आएगा, z इंटू आई एफ, q की जगह हमें क्या रखना है, q की जगह रखना है माइनस 4x, आई एफ e टू द पावर 4x है ही, और क्या हो जाएगा dx। अब इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैसे कि z e टू द पावर 4x तो ठीक, माइनस 4 आ गया बाहर, माइनस 4 क्या आ गया आपका, बाहर आ गया, तो मेरे पास ये हो जाएगा x e टू द पावर 4x हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट के अकॉर्डिंग मेरे पास एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल मेरा सेकंड फंक्शन होगा, तो z e टू द पावर 4x इज इक्वल टू माइनस 4 u as it is, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v,
डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी का होल इंटीग्रेशन, साथ में dx अगर x के रिस्पेक्ट में, dy अगर y के रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल x है मेरा, तो u मतलब माइनस फोर एज इट इज, v मतलब क्या हो जाएगा, देखिए u तो पहले तो माइनस फोर, अब u मतलब x एज इट इज e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ x, उसके बाद e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, e टू द पावर x नहीं है मेरे पास, क्या है e टू द पावर 4x है, यहाँ पर e टू द पावर कितना है भाई, e टू द पावर 4x है, यहाँ पर भी क्या आएगा e टू द पावर 4x आएगा, ये हो चुका, फर्स्ट फंक्शन एलजेब्रिक था, सेकंड एक्सपोनेंशियल था, e टू द पावर 4x था, अब z e टू द पावर 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x अपॉन 4 होगा भाई, 4x का डिफरेंशिएशन तो अपॉन में आएगा ही आएगा, x का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x अपॉन 4, फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइम तो कर दिया मैंने, सेकंड टाइम फिर से करना है, इसका तो 1 हो चुका है, अब z e टू द पावर 4x इज इक्वल टू माइनस 4 x e टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x अपॉन 4 फिर से आएगा तो ये 16 आ जाएगा, प्लस c माइनस फोर से आप कीजिए मल्टीप्लाई, तो z e टू द पावर 4x इज इक्वल टू माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 4x अपॉन 4 और प्लस क्या हो गया c, ये भाई माइनस फोर से माइनस साइन तो हट जाएगा, 4 और 16 कटेगा तो अपॉन में 4 आ जाएगा, अब z की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, z 1 अपॉन y टू द पावर 4 आपको रखना पड़ेगा, तो z की जगह मैं रखूंगा e टू द पावर 4x अपॉन y टू द पावर 4 is equal to minus of x e to the power 4x, आप चाहें तो e to the power 4x को common ले सकते हैं, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर आप ये भी लिखेंगे तो एकदम सही आंसर आपका माना जाएगा, तो क्या किया, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके dy by dx निकाला, dy by dx निकाल के हमने इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, y टू द पावर 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये लेबनिट्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लीनियर में जब एक बार कन्वर्ट हो गया तो लीनियर में कन्वर्ट होने के बाद आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन में आपको p और q दोनों पता पड़ जाएंगे, p और q पता पड़ के इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, तो फिर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो सॉल्यूशन का है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा, बस z की जगह वापस से 1 अपॉन y टू द पावर 4 आपको रखना पड़ेगा, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा।